श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की उषा, सचमुच तुम्हारे साई बाबा ने तुम्हारी शादी निराली करवा दी है। तुम्हारी शादी पर मेरी बहनें भी नहीं आ पाई। इसे पता था कि इतनी जल्दी तू हमसे इतनी दूर चली जाएगी। बेटी देख, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, हमने तुम्हें कोई तकलीफ दी हो तो नहीं बाबा। बच्चे चले, फ्लाइट का टाइम। खुश रहो। एक बैचलर का मकान था, अब तुम इसे अपना घर बना लेना। अपना नहीं, हमारा कहो। गुड, वेरी गुड। उषा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अगर तुम्हें शॉपिंग वगैरह करने जाना है तो मैं कार भिजवा देता हूँ ऑफिस। नहीं नहीं, आज तो मैं आपके इस मकान को हमारा घर बनाऊंगी। हेल्प की जरूरत हो तो ऑफिस से किसी को भेज दूँ? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस आप लंच के लिए आ जाना। तो ठीक है, मैं लंच बाहर से लेता आऊंगा। बाहर से क्यों? ओफो, जब तुम इस मकान को अपना घर बनाओगी तो तुम्हें खाना बनाने की फुर्सत कहां से मिलेगी? इसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, घर का खाना घर पर ही खाने का रिवाज है। ओके ओके। आपको देर नहीं हो रही है? ओके बाय। देवा, दिल्ली आकर मैं आपको ही मिस कर रही थी। सोचा भी था कि घर से बाहर जाऊंगी तो सबसे पहले आपको घर ले आऊंगी, लेकिन आपसे अधिक भक्तों की चिंता और कौन कर सकता है। अब आप स्वयं आ ही गए हैं तो हम सब पर अपनी पावन कृपा बिखेरते रहिएगा। मैं किसी और के घर में तो नहीं आ गया? सच उषा, तुम्हारे हाथों में जादू है। ये लगता है नहीं कि मेरा घर है। अब ये
हमारा घर लगता है। आपसे एक बात पूछूं? उषा, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, पूछो। क्या आप भी साईं बाबा को मानते हो? साईं बाबा? नहीं उषा, मैं किसी को नहीं मानता। हाँ, गरीब और परेशान लोगों के लिए मेरे मन में हमदर्दी जरूर है, लेकिन तुम साईं बाबा के बारे में क्यों पूछ रही हो? आइए ना, ये कैलेंडर मुझे सफाई के दौरान इस अलमारी के पीछे से मिला। ओह, ये कैलेंडर। उषा, इसकी भी एक लंबी कहानी है। मेरी शादी में बहुत देर हो चुकी थी, उम्र भी निकल रही थी। उसी दौरान मैं एक बार मैरिज ब्यूरो में गया, वहां मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। तो आपको पढ़ी लिखी, खूबसूरत, भारतीय परंपराओं को मानने वाली एक लड़की चाहिए? जी हाँ। भाई देखिए, एक साथ में इतनी सारी खूबियों वाली लड़की मेरे पास मिलना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे बाबा से प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है। बाबा? कौन बाबा? मैं मिलवाती हूँ आपको। मेरे साईं बाबा हैं, अगर आप इनसे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपके मन की मुराद पूरे करेंगे। देखिए, वैसे तो मैं किसी भगवान को नहीं मानता, लेकिन अगर आपका इन पे इतना विश्वास है तो मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे जीवन साथी की मुझे तलाश है, ये मुझे उससे मिलवा दें। मिलवा देंगे तो आप अपनी पत्नी को लेके इनके धाम जाएंगे शिरडी? जरूर, क्यों नहीं। उस महिला से वादा करके मैं भूल गया, ये कैलेंडर मुझे उसी ने दिया था जिसे मैंने अलमारी के पीछे डाल दिया। उषा, ये बात मई 97 की है और हमारी शादी 30 जुलाई 97 को साईं बाबा के मंदिर में हुई। हाँ। अरे हाँ, तुमने भी तो साईं बाबा के सामने सिंपल शादी करने की कसम खाई थी ना। उषा, इन सब बातों से तो मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना, मेरी नहीं, हमारी प्रार्थना साईं बाबा ने सुन ली। तो शिरडी जाने का प्रोग्राम बना लिया जाए? बिल्कुल, हम कल ही शिरडी धाम की यात्रा पर जाएंगे। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं संकल्प सिद्धाय नमः। सचमुच दया के सागर साईं बाबा अपने भक्तों पर जिस तरह अपनी पावन कृपा बिखेरते हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।